खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर जो दंतेवाड़ा से आ रही है, दरअसल दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ है। बीजेपी के विधायक वो काफिले के साथ आगे बढ़ रहे थे और बीजेपी विधायक के काफिले पर ये हमला हुआ। फिलहाल आपको ये बता दें कि विधायक से संपर्क नहीं हो पा रहा, चुनाव प्रचार के लिए निकले थे बीजेपी के विधायक। हम सीधे रुक करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी का, लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देखिए किस तरीके से दंतेवाड़ा में जो नक्सली हमला हुआ उसकी चपेट में आकर कुछ गाड़ियां किस तरीके से पलटी हुई नजर आ रही है। ये गाड़ी पूरी तरीके से पलटी हुई नजर आ रही है। आईडी ब्लास्ट बताया जा रहा है, नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया है। सीधे रुक करते हैं, ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज्ञानेंद्र, संपर्क हो पा रहा है क्या बीजेपी के विधायक से, जानकारी कुछ मिल पा रही है? जी बिल्कुल, जो आप रोमाना कह रही हैं ये एक बहुत ही दुखद संकेत है कि विधायक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। 5 लोगों की मौत होने की खबर आ रही है और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि चुनाव के एंड वक्त में पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने खूनी खेल खेला था और इस बार फिर ये बड़ा हमला नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर अंजाम दिया है। और इसमें जो खबर आ रही है, चूंकि विधायक से बार बार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है लेकिन अब तक नहीं हो पा रहा है। अधिकारी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं और शायद जब इन इलाकों में बड़ा हमला होता है तो पुलिस पूरी जानकारी जुटाती है, चूंकि अंदरूनी इलाकों में नेटवर्क नहीं होता है तो अभी पुलिस भी कुछ कहने से बच रही है। लेकिन जो बड़ा संकेत एक दिख रहा है विधायक के संपर्क न होने से, तो कहीं ये बड़ी अनहोनी ना हो इस बात का अंदेशा पुलिस को भी है। लेकिन सच्चाई यही है कि भीमा मंडावी जो विधायक हैं वो बस्तर के 12 सीट में एक ही सीट बीजेपी की थी जिसमें से भीमा मंडावी ने जीत हासिल की थी, वो भी कर्मा परिवार की देवती कर्मा को हराकर। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा यदि ऐसा अनुमान जो कि अभी लगाया जा रहा है कि इस हादसे में बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन फिलहाल शहीद होने की तो एक खबर जो आप बता रहे हैं, इसके अलावा ये काफिला कुल मिलाकर कितना बड़ा था, कुछ जानकारी मिल पा रही है इस सिलसिले में? क्योंकि दंतेवाड़ा का जो नकुलनार है रोमाना, वो बहुत अंदरूनी इलाकों में है और उस इलाके से बहुत आसानी से कोई खबर नहीं आती है, इसलिए अभी कुछ भी कह पाना कि काफिले में कितनी गाड़ी थी और कैसे ये अंजाम दिया गया घटना को, ये तस्वीरें जो हम एबीपी न्यूज में लगातार दिखा रहे हैं, इससे बात तो साफ है कि ये बड़ा आईडी ब्लास्ट है। नक्सलियों ने पहले से प्लांट कर रखा था और उन्हें पता था कि चूंकि चुनावी मौसम है इसलिए नेताओं का आना जाना जो है इस क्षेत्र में होगा और ऐसे में नक्सलियों ने एक बड़ा टारगेट करते हुए विधायक बीजेपी के विधायक भीमा मंडावी के काफिले पर हमला किया है। कितना बड़ा ये काफिला था, कितने लोग अभी घायल हैं इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही, लेकिन एक बात साफ है कि इसमें 5 लोगों के जानमाल का नुकसान हुआ है और चूंकि विधायक से संपर्क नहीं हो पा रहा है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उस काफिले में और क्या बड़ा हुआ है। इस बात की पुष्टि तभी करेंगे जब पुलिस के आला अधिकारी कुछ इस मामले में कहते हैं। रोमाना, ज्ञानेंद्र, ये कुछ पता चल पा रहा है कि ये विधायक अपने काफिले में कहां से निकले थे, कितने बजे निकले थे, कहां की ओर जा रहे थे, इस तरीके की जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, पुलिस हेडक्वार्टर छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय से हम लगातार संपर्क में हैं। पुलिस के अधिकारी यही कह रहे हैं बार बार कि जो भी बातचीत है वो जब तक नहीं आ जाएगी या जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो दंतेवाड़ा के जिला अधिकारी हैं या एसपी हैं, तमाम एडिशनल एसपी हैं, वो मौके के लिए रवाना हो गए हैं। ऐसे में ये कह पाना कि इस काफिले का प्रारूप क्या था, कितने बजे निकला था ये काफिला और कितने लोग थे, अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो घटनास्थल पर हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस पूरे घटना में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रोमाना, 5 जवान जिनके शहीद होने की बात कही जा रही है, जरा इसके बारे में बताइए, क्या ये सुरक्षा में तैनात थे विधायक के, इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए रोमाना, जो भी विधायकों का काफिला छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाता है, खासकर वो हर हमेशा उन जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा मिलती है, क्योंकि कई बार इससे पहले जो पहले बीजेपी सरकार में मंत्री हुआ करते थे उनके ऊपर नक्सलियों ने हमला किया। और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा झीरम घाटी हमला जो है वो किसी से छिपा नहीं है, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था राजनेताओं का। इसलिए जब भी इन इलाकों में जब भी जाते हैं वीआईपी मूवमेंट होता है तो इनको एक बड़ा सुरक्षा दस्ता दिया जाता है, उसमें तमाम जवान होते हैं, हथियारों से लैस होते हैं। और ऐसी स्थिति में ये जो जवानों की शहादत होने की खबर आ रही है, ये वही जवान है जो विधायक की सुरक्षा में थे। रोमाना, और ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं ज्ञानेंद्र, जो आपने भेजी है एबीपी न्यूज को, दर्शक भी इस वक्त देख रहे हैं, इस तस्वीर में एक ही गाड़ी नजर आ रही है पलटी हुई और काफिले में यकीनन कुछ और गाड़ियां होंगी, तो कुछ जानकारी इस बाबत मिल पा रही है? निश्चित तौर पर
ये निश्चित तौर पर विधायक जब चलते हैं तो उनके पीछे आगे आगे एक दो गाड़ी और पीछे एक दो गाड़ी, चूंकि चुनाव का मौसम है इसलिए नेताओं का भी काफिला जुड़ा रहता है। लेकिन ब्लास्ट कितनी गाड़ियों में हुआ है, कितनी गाड़ी ब्लास्ट से क्षतिग्रस्त हुई है, ये कह पाना जब तक मौके पर, हालांकि हम रास्ते में ही हैं और हम लगभग एक घंटे में उस मौके पर पहुंच जाएंगे जहां अटैक हुआ है, लेकिन चूंकि अभी अधिकारी कुछ नहीं कह रहे हैं, पुलिस के आला अफसर, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। रोमाना, नहीं तो काफिले की बाकी गाड़ियां, मतलब यहां से आगे कहां, आगे कोई और शहर जहां पर ये गाड़ियां पहुंची हों, किसी से कोई संपर्क हो पा रहा है जो इस काफिले में रहा होगा? क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि चुनाव का मौका, एक तो अमूमन भी अगर यहां से नेता गुजरते हैं तो फिर उनकी सुरक्षा के लिए काफिला बढ़ जाता है, इसके अलावा चुनाव का मौका है, नेता प्रचार में जुटे हुए हैं तो उनके साथ बाकी नेताओं का काफिले की वजह से तादाद और बढ़ जाती है लोगों की, तो कुछ सुगबुगाहट, कोई जानकारी जो मिल पा रही हो इस सिलसिले में? देखिए रोमाना, ये जो सड़क है, मैं आपको बता दूं कि दंतेवाड़ा से सुकमा के बीच की सड़क है और नकुलनार जो क्षेत्र है वहां नक्सली हमेशा आतंक मचाते रहे हैं, और इस नकुलनार जो कस्बा है वहां पर बहुत बड़ा अटैक एक परिवार पे हो चुका है नक्सलियों के द्वारा। तो ये जो रास्ता है ये संवेदनशील है, निश्चित तौर पर नक्सलियों की यहाँ नजर रहती है। और जो काफिला है वो कहाँ जा रहा था, चूंकि भीमा मंडावी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी है क्योंकि वो एक ही विधायक है 12 विधानसभा सीटों में जो बीजेपी से जीत के आए हैं, ऐसे में दीपक बैज जो सामने हैं, बैदूराम कश्यप, दो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अभी छत्तीसगढ़ दौरा हुआ था, उसके बाद जरा सा आपको रोकना चाहूंगी, ये कुछ और तस्वीरें हैं और ये दर्शकों को हम तस्वीरें दिखाते हैं। एक तो ये गाड़ी जो धमाके की चपेट में आई, कुछ तस्वीरें ऐसी जो हम आपको धुंधली कर दिखा रहे हैं क्योंकि सीधे आप ये तस्वीरें देख नहीं पाएंगे, विचलित कर सकती हैं तस्वीरें आपको। इस बीच एक एम्बुलेंस की गाड़ी भी खड़ी हुई नजर आ रही है, वो भी तस्वीर आपके सामने होगी, और ये हमले के बाद की तस्वीर ऐसा लग रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें जो सामने आई हैं हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सीधे रुक करते हैं नीरज राजपूत, उस वक्त हमारे साथ मौजूद। नीरज, 5 जवान बताया जा रहा है शहीद हुए इस हमले की चपेट में आकर, सीआरपीएफ की तरफ से कोई औपचारिक जानकारी? रोमाना, अभी तक जो जानकारी मिली है सीआरपीएफ की तरफ से, उनकी तरफ से क्रिटिकली इंजर्ड है 5 जवान छत्तीसगढ़ पुलिस के, और जो घटना हुई है ये कुआ कुंटा और श्यामगिरी जगह है दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उसके बीच में ये इंसिडेंट हुई जहां पर ये बीजेपी एमएलए है उनकी कॉन्वॉय काफिले को निशाना बनाया गया, आईईडी ब्लास्ट किया गया है। रोमाना, जो जानकारी मिल पाई है हमें सीआरपीएफ के आधिकारिक सूत्रों से, उन्होंने कहा है कि आईईडी ब्लास्ट हुई और जो एस्कॉर्ट गाड़ी थी जो बीजेपी एमएलए है जिनका कॉन्वॉय जा रहा था उसको निशाना बनाया गया, और उस एस्कॉर्ट व्हीकल में 5 जवान थे छत्तीसगढ़ पुलिस के, वो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं, ये अभी तक की जानकारी है। तो घायलों को कहां लेकर जाया गया, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, उनको बारे में कहा गया है कि जो इंजर्ड हुए हैं, सिर्फ इतना आया है कि क्रिटिकल इंजर्ड है, जो इंजर्ड जो जवान है उनको पास के अस्पताल में भेजा गया है, सीआरपीएफ की रीइंफोर्समेंट वहां भेजी गई है ताकि घेराबंदी की जा सके उस इलाके की। बहुत शुक्रिया आपका नीरज राजपूत। तो देखिए नीरज राजपूत जो जानकारी दे रहे हैं, जो सीआरपीएफ की तरफ से कहा जा रहा है, वो अभी शहादत की बात नहीं कह रहे हैं, सीआरपीएफ की तरफ से कहा जा रहा है 5 जवान उनके जो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, क्योंकि जो भीमा मांडवी बीजेपी के विधायक जिनके काफिले पर हमला हुआ, दरअसल आईडी की चपेट में वो एस्कॉर्ट गाड़ी आई जो बीजेपी विधायक को सुरक्षा दे रही थी, और उसी गाड़ी में ये 5 जवान बैठे हुए थे जो इस हमले की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल, ये सीआरपीएफ की तरफ से कहा जा रहा है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।